ये रहा कुछ ऐसा हालचाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आ चुका हूँ मैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो कल बारिश थी, व्लॉग नहीं आया, आज भी बारिश नहीं है स्टिल, लेकिन मौसम ख़राब है, बारिश नहीं है। तो अभी निकलने लगा हूँ घर से, जैकेट दो पहन लिए, ग्लोव्स पहनूँगा, शूज़ पहन लिया, पूरा पैक होके निकलना है। एक छोटी सी राइड पे कहूँ बाइक के पास, आजकल मैं बाइक नीचे नहीं लेके जा रहा, देखो कितनी गंदी हुई है, क्योंकि उधर से नीचे नहीं जा रही, स्लिप मार रही है। तो अभी करते हैं कॉल स्टार्ट, तो लगाते हैं। सामने जा रहा है अपना सम्मी, देख सकते हो पापा की परी पे, इसने अपनी स्कूटी का नाम पापा की परी रखी हुई है। और लिटिल बिट ठंड भी लगनी शुरू हो गई है, हवा चल रही है, तेज चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि रोड गिल्ली है, कीचड़ पड़ा है पूरी रोड पे। और स्किट भी, कल भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक क्या हो गया, धक्का लग रहा है रे ओ, सुबह सुबह सर्दियों में यही होगा। ग्लोव्स में ना क्लच पूरा नहीं आ रहा, मतलब जब क्लच रिलीज कर रहा हूँ ना तो एकदम अटक रहा ग्लोव्स में, तो ऐसे झटका सा लगा मुझे। और बस दुआ करो हाईवे पे रोड गिल्ली ना हो, तो मज़ा तो बड़ा आएगा। ट्रैफिक में ना ग्लोव्स लगा के नहीं चलाने होते बाइक, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नहीं चलाने होती, क्योंकि जब क्लच एकदम ट्रैफिक में रिलीज़ करना होता है तो रिलीज़ होता नहीं, झटका सा लग जाता है। तो फिर से स्टार्ट होगी हमारी ये सुरनकोट की मिनी सिटी, ओके, मिनी कश्मीर से जाना जाता है, छोटा सा है। देखो अभी पहुंच चुका हूं मैं बस स्टैंड, नीचे स्टोर गली में जाऊंगा, उधर से उसको फ़ोन करूंगा, वो फ़ोन पूछते हैं कहां पहुंचे। साथ भाई आ चुके हैं, अभी निकलते हैं यहां से, इन्होंने एग्जॉस्ट भी डलवाया, इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। यार ये ग्लोव्स लगा के मेरे को नहीं राइड होती यार, लेकिन गर्म है। किधर आ रहे हो, नहीं का पता आ किधर रहे हो आप, देखो ना साइड कौन सी आपकी। साइड कौन सी आपकी भाई, इधर से एकदम स्पीड से आ रहे हो आप, आराम से। ये कौन सा रॉन्ग साइड, आराम से होती है वहां से, पता गाड़ियां नहीं जरा। हद है यार, सीन हो गया मेरे साथ, बच गई बाइक। अब नीचे जाके चेक करनी पड़ेगी कहाँ से टूटी है मेरी बाइक, होप सो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो अपने पास रिकॉर्डिंग भी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप देख सकते हो यार, सामने से मैंने जब ओवरटेक किया गाड़ी को, और सामने से आगे जाके हिट कर दिया। ये टूट गया ना मेरा यार, फुट रेस्ट टूट गया ना। सो गाइस, ये फुट रेस्ट टूट गया मेरा, फेयरिंग बच गई यार, सबसे बड़ी बात थी फेयरिंग सारी बच गई। आगे जाके रुकेंगे और 220 की एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। क्या और यही है हमारी सिद्रा, जो मिनी सिद्रा हम इसी को मानते हैं, और जो सिद्रा तो वो फोर वे है, लेकिन ये हाईवे है, यहाँ पे वन साइडेड गाड़ी नहीं है, दोनों साइड से आते हैं, तो हमारे लिए सिद्रा यही है। बोले टायर में प्रेशर कम है इसकी बाइक का, तो ये प्रेशर ठीक करने लगा, तो मेरे में भी कम है, 20 है पॉइंट पर, लेकिन मैंने नहीं अभी डलवानी। पहाड़ लग रहे हैं और यहाँ पे स्नोफॉल रात को ही हुई है, और इसी की वजह से आज इधर हमारे सुनकोट में ज़्यादा ठंडी हो रही है। यह पीर पंजाल का एरिया है, तो आपको पता है जब पहाड़ों पे बर्फ़ होती है तो जाहिर सी बात है सुनकोट में भी ठंडी हो जाती है। आज मैंने जिपर पहनी है, हुडी पहनी है, और ऊपर एक डेनियम जैकेट भी पहना है, बहुत कुछ पहना है। शहजाद मस्त आवाज़ दे रहा है यार, कसम से इसका एग्जॉस्ट।
सो गाइस देख सकते हो आप रोड जैसे कि पूरी गिल्ली हुई है, हमने जंगल और इस जंगल में तो आपको पता है जैसे जबर जंगल नीचे रोड और यहाँ तो वही कश्मीर वाली सर्दी। ये हमारा मिनी सिद्रा है और यहाँ पे हम यार यहाँ पे गाड़ी ही नहीं आ रही, एक गाड़ी आई है दूसरी देखना पता नहीं कब आएगी और पीछे चलो चलो किया कि कितनी जाती है। फिलहाल तो शायद मेरी आगे आ गई, अगर उसको पूछूंगा उसको उसने थ्रॉटल अगर छोड़ा हो तो उसकी क्या बताऊँ मैं फिर उसकी ज़्यादा, और अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि किसकी कौन ज़्यादा भागती है, बट आई थिंक फर्स्ट गियर में ये ज़्यादा जाती है। लोगों के रिएक्शंस देखो, एक्रोबॉबी का है ये एग्जॉस्ट डाला इसने, अब कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंचा हूँ, अभी देखते हैं कोई अच्छी सी मस्त सी जगह पे रुकेंगे जिसको हम एक अपना मतलब एक पॉइंट समझ लेंगे, जिसको जहाँ भी आप जब भी हम यहाँ आएंगे तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे, कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे कुछ भी ना हो, बिल्कुल पीसफुल हो। अभी फाइनली यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो ये ऐसा है कुछ व्यू यहाँ का सामने, इधर भी आज थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है देख सकते हैं पहाड़ों में। और अभी मैं आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट की आवाज़, जो ये पल्सर बजाज 220 आपको पता ही है जैसे कि इसको फुल मॉडिफाई करा हुआ है, फुल मॉडिफाई मींस बबल वाइजर डाला है सिर्फ, और एक्रोबॉबी का एग्जॉस्ट डाला है देख सकते हो आप, ये रहा एग्जॉस्ट। और अभी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, सो ये रही कुछ ऐसी आवाज़, बड़ी मस्त आवाज़ आ रही है यार सच में। कुछ ऐसी लोकेशन पे अभी पहुंचा हूँ, यहाँ पे रही हमारी बाइक्स, ये रही बाइक्स, और अभी यहाँ से भिजी कुछ एक दो किलोमीटर है, ऑटोमेटिक शॉट ली है सामने तो अब वो आपको भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ से हमने फोटोज लिए, रील्स बनाई और फोटोज रील्स आपको हमारे इंस्टा पे दिख जाएंगी। तो यहाँ शहजाद, अभी चलते हैं वापस घर की तरफ, और यहाँ ये रहा कुछ ऐसा हालचाल। हेलो गाइस, कल जो बारिश हुई ना उस बारिश की वजह से ये पहाड़ों पे बर्फ देख सकते हैं आप, ये सामने पहाड़ों पे देखो सारे व्हाइट व्हाइट होंगे, और इस पहाड़ों पे ये जैसे ही स्नो पड़ी बर्फ पड़ी और वहां से ये ठंडी हवा पूरे सुरनकोट में आ रही है। और इस वक्त यहाँ पे स्पीड चेक करते हैं कितनी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली सामने ट्रक आ गया, आप क्या करें, आगे रोड खराब है ओवरटेक नहीं कर सकते। मौसम ठीक हो जाए एकदम से मस्त, धूप लगनी शुरू हो जाए, एक दो दिन धूप लगे, रोड बिल्कुल शॉप पे पहुंचे हैं, और जैसे मैंने ये नाम लिखवाया अपना यहाँ पे वैसा ही मैंने हेलमेट पे भी लिखाना है, तो शहजाद ने भी लिखाना है। अभी हम रुके हैं इधर और नाम लिखवाने के बाद यहाँ से निकलते हैं वापस। सो गाइस राइड पूरी करने के बाद अभी यहाँ पे एक शॉप मिली थी टेपिंग वाली, यहाँ पे मैंने हेलमेट पे जैसे ये इसने लिखा है शहजाद ने वैसे मैंने भी लगाया, और मेरी बारिश होने लगी अभी स्टार्ट, अब ब्लॉग यहाँ पे ही बाय करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जो नए चैनल पे आए कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग।